साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की डेट 25 नवंबर है और इसी 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की ये विधानसभा के 16वीं विधानसभा के चुनाव हैं। इससे पहले 15 विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक से लगाकर 15 विधानसभा तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर, जो आपके आरएएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, क्योंकि राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण, राजस्थान में राजनीतिक जनांकिकी, राजस्थान में दलीय प्रणाली और राजस्थान में पहली से 15वीं विधानसभा तक के जो घटनाक्रम है, कब कौन मुख्यमंत्री बना, कब कौन विधानसभा का अध्यक्ष बना, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन थे, विधानसभा के स्पीकर के अलावा विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता किसको बनाएंगे, उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर एक ही सेशन में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और पेन और डायरी साथ में लेकर बैठिएगा और अच्छे से इनके क्या बनाएगा, नोट्स बनाएगा, जो आपके प्री और मेंस और इंटरव्यू तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज का इस सेशन देने वाला है। साथियों 200 विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान, लेकिन इस बार भी राजस्थान में 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है करनपुर सीट से गुरमीत सिंह कुनर की मृत्यु हो जाती है नामांकन भरने के बाद, और इस कारण से विधानसभा के चुनाव पर उस सीट के लिए टाल दिए गए। पिछली बार 15वीं विधानसभा जो थी उसके समय भी 200 की बजाय 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, क्योंकि अलवर की रामगढ़ सीट जो है वहां से बसपा प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है। और राजस्थान विधानसभा में जो कहा जाता है कि राजस्थान में 200 विधायक एक साथ नहीं बैठते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सही से होने जा रहा है, लेकिन ऐसा केवल और केवल ये अफवाह मात्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान विधानसभा में भूत है। चलिएगा अब बात करते हैं प्रथम विधानसभा को लेकर। साथियों राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन जो है 1952 से 1957 तक हुआ। इससे पहले राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन तीनों ही राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने, जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। लेकिन हीरालाल शास्त्री के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही हीरालाल शास्त्री के विरोध में एक बड़ा जो है एक जमवाड़ा होने लगा, जिसमें जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा प्रमुख नेता थे। ये बार बार देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास ये सूचना पहुंचाई कि हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो सही से शासन का संचालन नहीं कर पा रहे, और वो जो है उस समय के तत्कालीन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह सेकिंड जो हैं उन्हीं के अनुसार जो है राज्य की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। जब बार बार शिकायतें की जाने लगी तो हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, और हटाने के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, वो है सीएस वेंकटाचारी। साथियों सीएस वेंकटाचारी एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री जो आईसीएस अधिकारी थे, यानी इंडियन सिविल सर्वेंट जो है, जैसे आजकल आईएएस हैं उसी प्रकार से पहले आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी थे। इनकी जब शिकायतें पहुंची तो इनको भी हटा दिया गया, और बाद में जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं, और जयनारायण व्यास के समय ही राजस्थान के विधानसभा के प्रथम चुनाव थे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव में 160 सीटों पर चुनाव होते हैं, जयनारायण व्यास चुनाव लड़ते हैं। उस समय देश में पूरी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में था। राजस्थान में उस समय जो है दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी जो उभर कर आई थी वो थी राम राज्य परिषद। कौन सी थी? राम राज्य परिषद। और राम राज्य परिषद का नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर के महाराजा, और जोधपुर महाराजा ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोक दी और जयनारायण व्यास जो है इनके खिलाफ चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। जयनारायण व्यास महाराजा के पास गए और कहा, महाराजा साहब मेरे को आपके प्रति सहानुभूति है कि आप चुनाव नहीं लड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे तो मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, और उसके बाद जो है स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए प्लीज आप चुनाव नहीं लड़े। लेकिन महाराजा ने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा और 100% जीत के आऊंगा। इसके बाद जो है वो जयनारायण व्यास जब चुनाव प्रचार के दौरान जोधपुर की जनता के बीच पहुंचे तो ऐसा लगा कि जनता का प्यार महाराजा से कम नहीं हुआ है, और जनता मूड बना चुकी है कि वोट तो महाराजा को ही देने। ऐसी स्थिति में जयनारायण व्यास को लगा कि अगर जोधपुर सीट से चुनाव हार गए तो स्थिति
गंभीर हो जाएगी और मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, इसलिए उन्होंने जोधपुर के अलावा जालोर सीट से भी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी करी और दो जगह से चुनाव लड़े, जोधपुर और जालोर। लेकिन दोनों जगह से चुनाव हार गए और हारने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो कौन मुख्यमंत्री बने उसको लेकर बात करें। राजस्थान की विधानसभा का पहला चुनाव जो है 1952 से 1957 तक, और राजस्थान की विधानसभा के प्रथम चुनाव की यदि अपन बात करें तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जनवरी 1952 में राज्य में प्रथम जो है वो विधानसभा का चुनाव, 160 सीटें ही थी राजस्थान की विधानसभा में पहली बार। कितनी सीटें थी? 160। और यही प्रश्न आपके आरएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा की विशेषताएं बताओ। देखिएगा कितना जोरदार प्रश्न था, प्रथम विधानसभा के घटनाक्रम को आपको उसमें लिखना था। 160 सीटों पर चुनाव हुए जिनमें से 139 सीटें, 139 सीटें जो हैं वो सामान्य वर्ग के लिए, 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित थी। जैसे आज भी है, आज भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 332 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है। और वर्तमान में जो है राजस्थान में 34 सीटें एससी की हैं और 25 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं। लेकिन प्रथम विधानसभा में जो है ये आपके 16 सीटें एससी की थी और 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित थी। प्रथम चुनाव में कांग्रेस के 7 प्रत्याशी जो है निर्विरोध चुन लिए गए। यानी देखिएगा उस समय कैसी स्थिति थी कि कांग्रेस के सामने उम्मीदवार भी नहीं थे। आजकल गांव में वार्ड पंच जो है वो निर्विरोध नहीं बन पाता है, लेकिन 1952 में विधायक निर्विरोध बन गए। 1952 में 7 विधायक कांग्रेस के निर्विरोध बन गए, लेकिन आज गांव में सरपंच और वार्ड पंच के लिए जो है 10-20 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। इसे राजनीतिक जागरूकता कहिएगा या कुछ और नाम दीजिएगा, लेकिन स्थितियां उस समय ऐसी थी। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 82 सीटें मिली और उस समय प्रमुख जो विपक्षी दल उभर कर सामने आया वो था राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ जो है इनको 8 सीटें मिली। कृषिकार लोक प्रजा पार्टी को 7 सीटें मिली, हिंदू महासभा को 2 सीटें मिली, कृषक मजदूर पार्टी को 1 सीटें मिली और निर्दलियों की संख्या कितनी थी? 35 जो है ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव जीते। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है कौन सी पार्टी की? कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल गई? 82। लेकिन दुर्भाग्य से कहिएगा जयनारायण व्यास चुनाव हार जाते। तो जयनारायण व्यास जब चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? तो प्रथम विधानसभा के चुनाव के परिणाम के पश्चात 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का क्या होता है? गठन कब होता है? 23 फरवरी 1952 को जयनारायण व्यास दो जगह से चुनाव लड़े, एक तो जोधपुर बी सीट और एक जालोर ए सीट, लेकिन दोनों सीटों से क्या हो गए? पराजित हो गए। जब जयनारायण व्यास पराजित हो गए, जयनारायण व्यास ही नहीं, प्रजा मंडल के वो सारे नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़े वो सब धराशायी हो गए। माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास सब कुछ चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री कौन बने? तो एक तीसरा नाम उभर कर सामने आया, उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। और टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में 3 मार्च 1952 को जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की सरकार, प्रथम मुख्यमंत्री की शपथ होती है और सरकार का क्या होता है? गठन होता है। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में जो है वो विधानसभा की पहली क्या होती है? बैठक होती है। वो आपके बैठक होती है 29 मार्च 1952 को। नरोत्तम लाल जोशी जो है वो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। लाल सिंह सत्तावत विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं। महाराव संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनते हैं और कुंवर जसवंत सिंह जो हैं वो राजस्थान में प्रथम अपोजिशन लीडर, विपक्ष के नेता विधानसभा में कौन बनते हैं? कुंवर जसवंत सिंह बनते हैं। अपन बात करें राजस्थान की पहली विधानसभा को लेकर, और पहली विधानसभा में ही महाराव संग्राम सिंह प्रोटेम स्पीकर बन गए। लेकिन बाद में जयनारायण व्यास ने जो है वो चांदमल मेहता करके विधानसभा का चुनाव जीते हुए थे, व्यास जी के मित्र थे, तो व्यास जी ने उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा और आपकी स्थान पर जो उपचुनाव मैं चुनाव लड़ूंगा और हो सकता है चुनाव जीत गया तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। टीकाराम पालीवाल को काम चलो मुख्यमंत्री कहा जाता है और चांदमल मेहता के स्थान पर अगस्त 1952 में ही जयनारायण व्यास जो है ये चुनाव जीत जाते हैं। टीकाराम पालीवाल को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और व्यास जी राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं।
पहले टीकाराम पालीवाल और दूसरे कौन हो गए आपके, जय नारायण व्यास। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे थे और निर्वाचित भी रहे थे, क्या नाम था, टीकाराम पालीवाल और जय नारायण व्यास। और टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया था, उप मुख्यमंत्री, है ना। राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत रहे थे वो थे जय नारायण व्यास। इसके बाद में राजस्थान की पहली महिला जो है विधायक बनी थी इसी विधानसभा में, यशोदा देवी, लेकिन ये आम चुनाव में नहीं बनी थी। यशोदा देवी भी राजस्थान के उपचुनाव में जो है वो आपके महिला विधायक जो है निर्वाचित होती है, कौन से वर्ष में, 1953। बाकी इससे पहले 1952 में जब चुनाव हुए तो 160 विधायक बने, उनमें से एक भी महिला सदस्य जो है नहीं थी, लेकिन बाद में यशोदा देवी जो है वो प्रथम क्या बनी, महिला विधायक। राजस्थान की पहली विधानसभा में 17 क्षेत्रों में क्या हुए, उपचुनाव हुए, जो आज तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। यानी वो कौन सी विधानसभा है जहां सर्वाधिक उपचुनाव हुए, वो प्रथम विधानसभा है जिसमें 17 सीटों पर वापस से क्या करवाए गए, उपचुनाव करवाए गए। कुछ ही समय बाद जो है माणिक्यलाल वर्मा ने जय नारायण व्यास के खिलाफ जो है वो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि दोनों मित्र हैं और दोनों मित्र चुनाव हार गए तो कोई दिक्कत नहीं थी, जय नारायण व्यास भी हार गए और माणिक्यलाल वर्मा भी हार गए। लेकिन बाद में उपचुनाव में जब जय नारायण व्यास चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा को लगा यार मामला तो बहुत गंभीर है, व्यास जी मुख्यमंत्री बनकर मैं कुछ ही नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में जो है थोड़ा सा माणिक्यलाल वर्मा ने अपने आप को वापस से मजबूत किया और मजबूत करके टीकाराम पालीवाल से मिले। इनके अलावा जय नारायण व्यास के जो भी खिलाफ नेता थे उन सबको एकजुट करा और नेहरू जी के पास पहुंचे और नेहरू जी को कहा कि व्यास जी की सरकार सही से नहीं चल रही है और व्यास जी के सरकार के खिलाफ बहुत सारे विधायक एकजुट हो चुके हैं और हो सकता है कि सरकार गिर जाए। व्यास जी ने कहा क्या बात करे हो, मेरी सरकार मजबूत है। लेकिन नेहरू जी ने दोनों को बुलाया और दोनों को बुला के कहा कि विधायक किन के पास ज्यादा है, विधायक दल की बैठक में जो नाम जिसके नाम से सहमति बनेगी ऐसी स्थिति में वही राजस्थान का मुख्यमंत्री रहेगा। व्यास जी ने माणिक्यलाल वर्मा को कहा कि आप तो विधायक भी नहीं है, आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में किसको बनाओगे। तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेरे साथ में जो विधायक हैं इनमें जो सबसे छोटा, जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति है उसी को बना दिया जाएगा, लेकिन आपको तो नहीं रहने दिया जाएगा। और सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। यानी एक ही विधानसभा में तीसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पहले टीकाराम पालीवाल, फिर जय नारायण व्यास और इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया, और तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं आपके सुखाड़िया जी 1954 में। और 1954 से जो है ये 1971 तक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। यानी 55 साल की उम्र में मोहनलाल सुखाड़िया जी 17 साल की मुख्यमंत्री की पारी खेलकर रिटायर हो चुके थे। और आजकल नेताजी जो हैं वो 55 साल की उम्र तक पार्टियों के पीछे टिकट की मांग को लेकर उनके पीछे घूमते हैं, लेकिन सुखाड़िया जी 17 साल मुख्यमंत्री रहकर 55 साल की उम्र में रिटायर हो चुके थे और रिटायर भी जबरदस्ती किया गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है और कहानी ये है कि 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और इस समय जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे वे थे नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिली और इंदिरा गांधी ने जो है वो वीवी गिरी उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय कर दिया। ऐसा कहते हैं कि अंतरात्मा के आधार पर जो है इंदिरा गांधी ने मत देने की अपील करी और सबसे कम मत अंतर से, न्यूनतम मत अंतर से दूसरी वरीयता से राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं वीवी गिरी। और मोहनलाल सुखाड़िया ने जो है राजस्थान के विधायकों के वोट जो है नीलम संजीव रेड्डी को करवा दिए। ऐसा लगता था कि इंदिरा जी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और के कोमराज वगैरह जो कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी टीम के जो है मेंबर बन गए थे कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन 1971 में जैसे इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, सत्ता में आते ही सुखाड़िया जी कैसे कहा कि और सुखाड़िया जी कैसे है, क्या चल रहा है। सुखाड़िया जी को लग गया था कि अब स्थिति गंभीर है। सुखाड़िया जी ने कहा मैडम गलती हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि इंदिरा किसी को माफ नहीं करेगी और तुरंत प्रभाव से क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। वो आपके ध्यान रखना है 1954 में मुख्यमंत्री बने, 1954
54 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और लगातार 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद 1971 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से क्या दिया इसी पर चलिएगा बात करते हैं। इसी सुकाड़िया जी की सरकार में पहली महिला जो है ये आपके मंत्री बन चुके थे कौन, कमला बेनीवाल, जो बाद में गुजरात के क्या रहे थे, राज्यपाल भी रहे थे। तो प्रथम विधानसभा के बाद बात करते हैं दूसरी विधानसभा की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए है। आरएस फाउंडेशन बैच जो है ये नया बैच लॉन्च हो चुका है और आरएस की विज्ञप्ति बहुत जल्दी और आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी आपको सही समय पे तैयारी शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको प्री के बाद मेंस का समय नहीं मिला, जिस कारण से इस बार उनका प्री तो हो गया लेकिन मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा है कि अगर सही समय पे अपन मेंस की तैयारी शुरू कर लेते हैं तो शायद बेहतर जो है वो संभावनाएं बन सकती है। और आपने ये भी देखा कि ज्यादातर वो विद्यार्थी जो पिछले एग्जाम में जिनकी रैंक अच्छी नहीं थी वो उन्होंने वापस से मेहनत करके अच्छी रैंक जो है वो प्राप्त की है, इसलिए आपके लिए एक विशेष बैच जो है आरएस फाउंडेशन बैच का जो है वो जयपुर क्लासरूम से शुरू हो रहा है और जयपुर और जोधपुर दोनों से, लेकिन फिलहाल जयपुर की मैं बात करूं तो नया बैच जो है वो 6 दिसंबर से जयपुर सेंटर पर शुरू हो रहा है, इसलिए आपको जयपुर सेंटर पर अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो ऐसी स्थिति में आपको 6 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करो, 6 दिसंबर से क्लास जो है शुरू हो जाएगी। चलिएगा अब बात करते हैं कौन सी विधानसभा की, दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा की यदि अपन बात करें तो दूसरी विधानसभा से पहले जो अजमेर मेरवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा में अलग से व्यवस्था थी और अजमेर मेरवाड़ा 1956 तक आते आते राजस्थान में विलय हो चुका था, और ऐसी स्थिति में अजमेर मेरवाड़ा में अलग से जो 30 सदस्यों की धारा सभा थी वो जब राजस्थान में साथ में शामिल हो गई तो वापस से परिसीमन हुआ और दूसरी विधानसभा में राजस्थान में विधानसभा की सीटें 160 से बढ़कर 176 हो गई, यानी 176 जो है हो गई, कितनी हो गई 160 से बढ़कर कितनी होगी 176 हो गई, और इसके बाद चौथी विधानसभा में 184 हो गई और इसके बाद छठी विधानसभा में जो है वो विधानसभा की सीटें कितनी हो गई हैं 200। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ष में बढ़ी है, तो ये लिखा हुआ है कि कुल सीटें 176 हो गई, इसके बाद 1977 में कितनी होगी छठी विधानसभा में 200 और चौथी विधानसभा में कितनी होगी है 184। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कौन सी विधानसभा में, ये दूसरी विधानसभा में, ये चौथी विधानसभा में और छठी विधानसभा में कितनी हो जाती है 200 सीटें। चलिएगा दूसरी विधानसभा में आपको ध्यान रखना है 1957 से 1962 तक दूसरी विधानसभा का गठन होता है, 176 सीटों पर चुनाव होते हैं 2 अप्रैल 1957 को, और मोहनलाल सुकाड़िया राजस्थान के फिर से क्या बन जाते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो 1962 तक राजस्थान के क्या रहे थे मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद तीसरी विधानसभा की बात करें तो तीसरी विधानसभा का गठन जो है 3 मार्च 1962 को होता है, सुकाड़िया जी फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यानी लगातार तीसरी बार। इसके बाद चौथी बार जो है 1967 में विधानसभा के क्या होते हैं चुनाव होते हैं, और 1967 में सुकाड़िया जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला जिस कारण से राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, और इसके बाद सुकाड़िया जी ने कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ में लिया, बहुमत साबित कर दिया, विश्वास मत हासिल कर लिया, बहुमत साबित करने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटाया गया और इसके बाद लगातार जो है 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चौथी विधानसभा का कार्यकाल 1972 तक रहा और 1971 में सुकाड़िया जी को इस्तीफा देना पड़ा और त्याग पत्र देने के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनते हैं वो आपके जोधपुर के हैं बरकतुल्ला खान। चलिएगा बात करते हैं किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राज्यपाल संपूर्णानंद के द्वारा 13 मार्च 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, डेट ध्यान रखिए 13 मार्च 1967 को। राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे क्योंकि उस समय तक दल बदल का कानून लागू नहीं था, जिससे कांग्रेस के विधायकों की संख्या 103 हो गई और 26 अप्रैल 1967 को सुकाड़िया जी चौथी बार राजस्थान के क्या रहे मुख्यमंत्री, और 44 दिनों से चले आ रहे राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया गया समाप्त। अगली अपन बात करें जोधपुर सेंटर से, साथियों जयपुर सेंटर की बात अपन कर चुके हैं, जोधपुर में जो है आरएस को लेकर एक फाउंडेशन बैच जो है वो 1 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, कौन सी दिसंबर को, 1 दिसंबर को अभी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं
और अभी जो है आप जोधपुर सेंटर पे जो है ये आपके आइएगा और इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उसके बाद 1 दिसंबर से इनकी नियमित क्लास जो है ये आपके शुरू हो जाएगी। क्योंकि आजकल का एग्जाम जो है और विशेषकर आरएएस एग्जाम की मैं बात करूं तो 1 वर्ष की तैयारी से आरएएस का एग्जाम जो है वो प्री तो हो जाएगा, लेकिन मेंस जो है क्लियर करना बहुत मुश्किल काम होता है। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या जिनका अभी 12th हुआ, इनका फर्स्ट ईयर है, उन सबको अगर लगता है कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फाउंडेशन बैच जो लगभग 15-16 महीने का चलेगा, उनमें आपको जरूर आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, और उसमें 15-16 महीने में अपन प्री मेंस और प्री कम मेंस यानी फाउंडेशन बैच में आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो है अच्छे से करवाएंगे। तो जोधपुर सेंटर पर 1 दिसंबर को नया बैच जो लॉन्च होने वाला है, चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम 3 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को 1 तारीख को जोधपुर सेंटर पर जो है वो नई क्लासरूम में नए बैच के साथ जो है वो जरूर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऑफलाइन की फीस जो है वो मात्र कितने हजार रुपए है, 65,000 रुपए, साथियों 65,000 रुपए की फीस है। और मैं कह रहा हूं कि आपको जो है ये लगभग 15-16 महीने पढ़ाया जाता है, कितने महीने, 15-16 महीने पढ़ाया जाता है। अगर महीने की अगर फीस की बात करें, कुछ कहते हैं कि 65,000 रुपये बहुत ज्यादा है, आजकल 6ठी 7वीं का बच्चा जब ट्यूशन जाता है ना तो उसकी फीस लगभग 2,000-2,500 रुपये होती हैं। और आप जो हैं आरएएस बनने वाले और इनकी मासिक यदि मैं फीस की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 65,000 रुपये जो है बहुत ज्यादा। और वही ऑनलाइन जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स जो है वो मात्र कितने रुपये का है, 30,000 रुपये का। इसमें आपको 1700+ घंटे की ऑफलाइन क्लास मिलेगी, 1700+ घंटे जो है वो आपके क्लासेज रहने वाली है। इनके अलावा आपको प्रत्येक सप्ताह आपका जो जो टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक के टॉपिक वाइज क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। इनके अलावा डेली जो है वो आपको आंसर राइटिंग का मतलब समझ गए, आपको टॉपिक वाइज जो है वो बीच बीच में आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बैच जो है इसमें प्रत्येक बैच में आपका एक जो है जो जैसे कहते हैं ना कि चाणक्य का होना आजकल के युग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी प्रकार से उत्कर्ष की एक नया नवाचार है जिसमें प्रत्येक बैच में आपका एक चाणक्य रहेगा जो पूरे बैच के प्रारंभ यानी प्रथम दिन से लगाकर बैच की एंडिंग तक जो है वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपकी हर एक समस्या के समाधान को लेकर वो अलग से आपका विशेष रूप से एक एज ए गार्जियन की तरह आपका जो है वहां उनके साथ आपका अटैचमेंट रहेगा। और पूरे के पूरे तरीके से आपको जो है वो आरएएस बनने तक की सफर में आपके चाणक्य की भूमिका में वो रहने वाले हैं। इनके अलावा डाउट सॉल्यूशन के लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उत्कर्ष का ये भी एक नवाचार है, आस्क डाउट नाम से जो आपने देखा होगा। इनके अलावा क्लासेज में भी जो है समय समय पर आपके डाउट सॉल्यूशन वगैरह की क्लासें रहेंगी, डेली आपको 4-6 घंटे की जो है वो क्लास रहने वाली है। चलिएगा अब बात करते हैं 1971 में जुलाई महीने में सुकाड़िया सरकार के इस्तीफे के बाद बरकतुल्ला खान राजस्थान के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी ये क्या थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। बाद में बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में 5वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद जो है बरकतुल्ला खान की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है, पद पर रहते निधन हुआ है, उनका नाम है बरकतुल्ला खान। इसके बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और 1977 में लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ दल जो है जनता दल की सरकार बन गई, जिस कारण से हरिदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त करके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। साथियों ये वो दौर है जब राष्ट्रपति शासन जो है वो इनका जमकर दुरुपयोग केंद्र की सरकारें कर रही थी, और राष्ट्रपति शासन इन अनुच्छेद 356 जब संविधान सभा में इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा था, बहस हो रही थी, तो बहुत सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया और कहा कि इनसे केंद्र तानाशाह बन जाएगा, केंद्र की मर्जी के मुताबिक राज्यों में कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि अनुच्छेद 356 मर्तप्राय है, इनका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इन्होंने इंदिरा जी ने जहां जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहां सब जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और मोरारजी भला क्यों झुकने वाले थे, मोरारजी ने जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया।
1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनी और राजस्थान में जब हरदेव जोशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो हरदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त करा और राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगाया था उस समय राजस्थान के राज्यपाल वो थे वेदपाल त्यागी। छठी विधानसभा का गठन 1977 में होता है और 1977 में राजस्थान के छठी विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन 1980 तक ही चली क्योंकि छठी विधानसभा में पहली राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1980 में केंद्र में चुनाव होते हैं और केंद्र में नए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन जाती क्योंकि केंद्र में मोरारजी देसाई जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया था। कुछ ही समय बाद जो है चौधरी चरण सिंह और मोरारजी के बीच में थोड़ा टकराव हो गया और ऐसा कहते हैं कि टकराव करवाने वाले इंदिरा गांधी और संजय गांधी ही थे। और इन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह को कि बाबा आप तो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं और क्या आप उप प्रधानमंत्री बन के बैठे, कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं वो सब आपके समर्थन में आ जाएगी और आप जो हैं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा। चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी से समर्थन वापस ले लिया, मोरारजी की सरकार गिर गई, नए प्रधानमंत्री बन गए चौधरी चरण सिंह। और प्रधानमंत्री बनने से कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है जैसे ही विश्वास मत की आवश्यकता पड़ी तब कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने से मना कर दिया। बिना लोकसभा का सामना किए हुए, बिना विश्वास मत को लाए हुए प्रधानमंत्री पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। 1980 में लोकसभा के चुनाव होते हैं और देश के नए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने तो राजस्थान के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, भैरव सिंह शेखावत जो जनता पार्टी से, क्योंकि अभी तक बीजेपी का गठन नहीं हुआ। यहां जब जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है और ये राष्ट्रपति शासन जो है ये 1977 में जो है भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 1980 तक आते आते लोकसभा चुनाव के बाद 16 फरवरी 1980 को रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल थे और राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद छठी विधानसभा की बात, सातवीं विधानसभा की बात करें तो 1980 से 1985 तक रही और इस समय कांग्रेस की ओर से जगन्नाथ पाड़िया जो है वो मुख्यमंत्री पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। लेकिन एक कवियत्री पर टिप्पणी के कारण जगन्नाथ पाड़िया को इस्तीफा देना पड़ा और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं शिवशरण माथुर। 1983 में हीरालाल देवपुरा ने माथुर के त्यागपत्र के कारण मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी एक ही विधानसभा में फिर से तीन मुख्यमंत्री बन गए, जगन्नाथ पाड़िया बन गए। जगन्नाथ पाड़िया के बाद जो हैं ये आपके शिवशरण माथुर बन गए और माथुर के बाद हीरालाल देवपुरा बन गए और देवपुरा न्यूनतम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं जो मात्र 16 दिन तक राजस्थान के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। साथियों इनको लेकर अगर अपन बात करें तो अलग से कुछ घटनाक्रम राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक मुख्यमंत्री को लेकर मैं एक एपिसोड बनाने की सोच रहा हूं और उसमें आपको प्रत्येक मुख्यमंत्री जो है उनके समय के घटनाक्रम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट वो रहने वाला है। क्योंकि माथुर साहब को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, डीग हत्याकांड क्या था, हरदेव जोशी की सरकार में राजीव गांधी क्यों नाराज हो गए थे और इनके अलावा जो है टाइगर का क्या मामला था, उन तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण कहानियों के माध्यम से आपको राजस्थान प्रतिस्पर्धा, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जो चरण है उसको लेकर अपन अलग से एक बात करें। अगली विधानसभा के चुनाव होते हैं, इस विधानसभा में हरदेव जोशी जो है वो पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं और राजस्थान की राजनीति में पहली बार संवैधानिक संकट खड़ा हो गया जब माथुर के त्यागपत्र के बाद 1989 में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से हरदेव जोशी को अपना नेता चुन लिया, जबकि उस समय हरदेव जोशी असम के राज्यपाल थे। साथियों असम के राज्यपाल बनाने वाले जो है वो राजीव गांधी थे और राजीव गांधी ने हरदेव जोशी को इसलिए असम का राज्यपाल बना दिया क्योंकि हरदेव जोशी जो है ऐसा कहते हैं कि एक बार राजस्थान में राजीव गांधी जो हैं वो आए हुए थे और राजस्थान में राजीव गांधी जो हैं वो जयपुर नहीं आकर जो हैं वो
किसी दूसरे स्थान पर, वो बात करूंगा मैं टाइगर वाला क्या मामला, बाघ तो देखने के लिए आए थे, राजीव गांधी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी थे, और ऐसी स्थिति में जिसको प्रोटोकॉल मंत्री बनाया गया था, उस प्रोटोकॉल मंत्री ने हरदेव जोशी को गलत सूचना दे दी, जिस कारण से हरदेव जोशी वहां नहीं उपस्थित हुए, और बाद में राजीव गांधी ने इसे नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद इन्हें राज्यपाल बना दिया। आपको पता ही होगा कि जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका राजनीतिक जीवन जो है वो शून्य मान लिया जाता है। लेकिन हरदेव जोशी की जीवन में एक नया मोड़ आता है, और लगातार जब संकट की स्थिति देखी तो राजीव गांधी ने राजस्थान के नेताओं से कहा कि भला कोई आदमी है क्या राजस्थान में जो ढंग से राज्य की व्यवस्था को ढंग से शासन का संचालन कर पाए। लेकिन उस समय नेताओं ने कहा कि जो ढंग का व्यक्ति था उनको तो आपने असम का राज्यपाल बना दिया। फिर बाद में असम के राज्यपाल पद से लौट कर आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की वापस से शपथ लेते हैं, कौन? हरदेव जोशी। और ऐसा कहते हैं कि हरदेव जोशी खुशी खुशी में जो हैं वो राज्यपाल पद से इस्तीफा देना भूल गए और आके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, बाद में जाकर उन्हें राज्यपाल पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद यदि अपन बात करें तो 3 दिसंबर को राज्यपाल जोशी के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर लिया, लेकिन उस दिन शपथ ग्रहण नहीं हो सकी क्योंकि राष्ट्रपति ने उस दिन हरदेव जोशी का असम के राज्यपाल पद के त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया था, इस कारण से नियुक्ति नहीं की गई। नवीं विधानसभा 1990 से 1992 तक रही, और इस विधानसभा में जो 67 के बाद पहली ऐसी दूसरी विधानसभा है जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 1967 के विधानसभा चुनाव में जो है वो सुखाड़िया जी की सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिस कारण से उन्हें राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन दूसरी ऐसी विधानसभा 9वीं है जो आपके स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण जो है वो राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा इस समय, राष्ट्रपति शासन अलग से अपन बात करेंगे, वो लगाने का एक दूसरा कारण था। लेकिन यहां पर भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत इस बार नहीं था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर या बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था, इस कारण से उत्तर प्रदेश में तो लगा ही लगा, साथ ही राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लगा लिया गया और भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। यानी राजस्थान में 4थी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, और इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो राज्यपाल आपके कौन थे? एम चैना रेड्डी जो है इस समय राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे। और 1993 तक जो है ये राष्ट्रपति शासन राजस्थान में रहा, और उसके बाद आपके नई विधानसभा का गठन होता है, 10वीं विधानसभा 1993 से 1998, और इस बार भैरव सिंह शेखावत जी जो है पूरे 5 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यानी भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार 1977 से 1980 तक रहे, दूसरी बार 1990 से 1992 तक रहे, और तीसरी बार वो जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने पूरे 5 वर्ष के लिए क्या क्या कार्य किया। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं और एंट्री होती है अशोक गहलोत जी की, और इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सर्वश्रेष्ठ सीटें जो प्राप्त हुई, और कांग्रेस को 152 सीटों पर विजय प्राप्त होती। और ऐसा कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव परशुराम मदेना के नेतृत्व में लड़ा गया, और परशुराम मदेना तय थे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन गहलोत जी की गूगली इतनी जोरदार साबित हुई कि परशुराम मदेना को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते। और गहलोत जी सोनिया गांधी जी से जब मिलने गए तो उनके साथ में एक तो परशुराम मदेना जी के जवाई जो थे वो भी थे, इनके अलावा प्रद्युम्न सिंह उनके साथ में थे, और सोनिया जी ने क्या पता क्या कहा, गहलोत जी ने क्या कहा, और इसके बाद 1-लाइन प्रस्ताव पारित होता है, और 1-लाइन प्रस्ताव के बाद गहलोत जी राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। वो कौन सी विधानसभा थी? वो 11वीं विधानसभा थी 98 से लगाकर 2003। इसके बाद 12वीं विधानसभा का चुनाव होता है 2003 से लगाकर 2008 तक, और इस चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग होता है। राजस्थान में कौन सी विधानसभा जिसमें सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाए गए, वो विधानसभा आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? 12वीं। और लोकसभा की मैं बात करूं तो 14वीं लोकसभा जो थी उसमें पहली बार जो है ये ईवीएम से चुनाव करवाए, हालांकि ईवीएम की शुरुआत 1982 से केरल से मानी जाती है, और गोवा प्रथम राज्य है जिनमें पहली बार चुनाव ईवीएम से करवाई गई। साथियों, ईवीएम पर उठ रही प्रश्न चिन्ह को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जनता का भरोसा लोकतंत्र के प्रति बना रहे, इसलिए ईवीएम के साथ में VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन करके एक नई मशीन जो है वो ईवीएम के साथ में कनेक्ट करी।
क्योंकि बीच में ये कहा जाने लगा कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा रहा है और इसका पहली बार प्रयोग जो है वीवीपीएटी का 2013 में नागालैंड से होता है। चलिएगा अब बात करते हैं 2013 में, 2003 में राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनते हैं वसुंधरा राजे और ये वो स्थिति थी जिसमें राजस्थान में सारी सत्ता जो महिलाओं के हाथ में थी, राजस्थान के राज्यपाल महिला थी, राजस्थान में पहली बार विधानसभा का अध्यक्ष महिला बनी थी सुमित्रा सिंह। गहलोत जी चुनाव हारने के बाद दिल्ली चले गए और वहां से जो है वहां से सीपी जोशी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा जाता है। सीपी जोशी ने 5 वर्ष तक जमकर मेहनत करी, विधानसभा के चुनाव आए और चुनाव के समय टिकटों के बंटवारे में भी सीपी जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और अगली विधानसभा का चुनाव होता है वो होता है 13वीं विधानसभा 2008 से 2013। दुर्भाग्य कहिएगा सीपी जोशी चुनाव लड़े लेकिन एक मत की वजह से चुनाव हार गए। कांग्रेस को बहुमत तो मिला लेकिन पूर्ण स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बसपा के कुछ विधायकों को साथ में लेकर गहलोत जी राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि बसपा के विधायक जो थे उन्होंने कहा कि हम एक ही शर्त में कांग्रेस में शामिल होंगे और शर्त यह होगी कि अगर गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो कहते हैं ना कि तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक वोट की कीमत सीपी जोशी से पूछिए जो एक वोट की वजह से है चुनाव हार गए। तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप जरूर जो है 25 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी 100% सुनिश्चित कीजिए क्योंकि एक वोट की कीमत जो है बहुत अमूल्य है, जिनकी कीमत जो है वो जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। सीपी जोशी एक मत की वजह से चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और बाद में गहलोत जी की गूगली दूसरी बार अच्छी साबित हुई और मुख्यमंत्री बन गए। अगली विधानसभा के चुनाव हुए और अगली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, जिसमें मात्र 21 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती हैं और गहलोत जी फिर केंद्र चले जाते हैं। सचिन पायलट इस बार राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन के राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में 5 साल तक सचिन पायलट जो हैं ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद विधानसभा के चुनाव में इस बार वापस से कांग्रेस को, इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन बने थे, वसुंधरा राजे दूसरी बार, लेकिन अगली बार आपके विधानसभा के चुनाव में 200 सीटें में 34 एससी के लिए 25 एसटी के लिए 199 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें अलवर से जो है वो बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह जो है इनकी मृत्यु हो जाने के कारण रामगढ़ सीट का चुनाव बाद में करवाएगा। और इस बार राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बन गए, अशोक गहलोत जी। राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी बने, सचिन पायलट जी को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। इनके अलावा विपक्ष के नेता जो हैं, ये विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया बनाए गए लेकिन बाद में कटारिया जी को राज्यपाल बनाए जाने के कारण राजेंद्र राठौड़ आपकी 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। और अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव की डेट और 16वीं विधानसभा के चुनाव होने वाले, देखिएगा इनके कुछ फैक्ट आपके 15वीं विधानसभा को लेकर थोड़ा सा मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, इसको देखिएगा क्योंकि 15वीं विधानसभा के फैक्ट ज्यादा जरूरी हैं, 16वीं के तो जरूरी है ही है लेकिन आजकल एग्जाम में 15वीं विधानसभा जो अंतिम विधानसभा है जिनका गठन हो चुका है उनका नहीं, जिनका गठन पहले कार्यकाल पूरा हो गया उनको लेकर भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो 7 दिसंबर 2018 को मतदान हुआ, इस बार चुनाव में मतदान 25 नवंबर को है, एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। रामगढ़ सीट पर उपचुनाव बाद में होता है, जनवरी 2019 में होता है जहां से कांग्रेस के साफिया जुबेर जो हैं वो विजय रहे। मतदान राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार, हालांकि इनके चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, 74.69% मतदान होता है जो पिछले चुनाव में 0.98% कम था क्योंकि इससे पहले की विधानसभा में 75.67% जो है ये, यानी 14वीं विधानसभा 15वीं विधानसभा अभी 16वीं के चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ। महिला उम्मीदवारों की टोटल संख्या 187 थी लेकिन आम चुनाव में 23 महिला विधायक के रूप में क्या होती है, निर्वाचित होती है और दिसंबर 2022 तक जो है वो 27 महिला विधायक बन चुकी है क्योंकि बाद में उपचुनाव जो है उन उपचुनाव में जो है वो
कई जगह से महिला क्या होती हैं, निर्वाचित होती हैं। तो ये आपके 15वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे जिनको आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया। 16वीं विधानसभा को लेकर अपन अलग से बात करेंगे कि 16वीं विधानसभा के चुनाव हो जाने के बाद एक अलग से सेशन रखेंगे जिनमें कौन सी सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ, सबसे कम मत प्रतिशत कहाँ हुआ, सबसे अधिक कहाँ हुआ, मत प्रतिशत में महिलाओं की कितनी विधानसभा में विधायक बनी महिला, वो जब सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद 16वीं विधानसभा को लेकर एक अलग से अपन सेशन रखेंगे जिसमें 16वीं विधानसभा से संबंधित ही महत्वपूर्ण जो है वो डाटा रहने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में मैंने पहली विधानसभा से लगाकर 15वीं विधानसभा तक के महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम थे उनको लेकर इस सेशन में डिस्कस किया। राजस्थान में मुख्यमंत्रियों को लेकर अपन अलग से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेशन कैसा लगा, क्लास में किस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आपके लिए पहली बार ऐसी मिली उसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिएगा। थैंक यू।